दोस्तों आज आप लोगों को वीडियो में वो सब कुछ देखने को मिलने वाला है जो शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रानी गार्डन ब्लॉग समय। और दोस्तों आज हम लोग आए हैं बेटी और दामाद के घर में। बेटी हमेशा मम्मी पापा का स्वागत तो करती ही है, लेकिन साथ में हमारे दामाद जी ने हमारा ऐसा स्वागत किया है कि शायद ही कोई कर सकता है। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस आप देख ही रहे होंगे कि सास ससुर की सेवा में दामाद जी कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत बहुत दिनों बाद में हमारे घर में नए मेहमान मतलब सास ससुर आते हैं, तो उनकी खातिरदारी हमें कैसे करना चाहिए और नई नई चीज़ें बनाकर हमें खिलाई जा रही है। दोस्तों क्या होने वाला है आगे वीडियो में जरूर देखिए। कैसे बोलते टेस्टी। ठीक है मम्मी, टेस्ट कुछ लग रहा है? दोस्तों आपने देखा कैसे खातिरदारी हो रही है सास ससुर की। दोस्तों बेटियां तो हमेशा चाहती है कि हमारे माता पिता हमारे घर में आए और हम उनका ध्यान रखें, लेकिन बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे माता पिता जिनको ऐसी बेटी और ऐसे दामाद मिलते हैं, जो कि कभी भी फ़र्क नहीं समझती है कि ससुराल क्या है और मायका क्या है। दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग बेटी और दामाद के घर में जाते हैं और हमें पूरा परिवार इतना खुश नज़र आता है तो माता पिता का दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमेशा गलत फहमियाँ हम ही पैदा करके रखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि बेटी हमारी ससुराल में है, लेकिन अगर बेटी ससुराल को मायका बना ले तो कभी भी मायका और ससुराल में फ़र्क नहीं होता है। वैसे ही अगर दामाद को अगर हम लोग बेटा समझ ले तो बेटी और दामाद नहीं बेटा और बेटी हो जाते हैं। तो दोस्तों बस आज हमारे साथ में भी बस ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए हमारा नाती कितना शैतानी कर रहा है, जो कि बहुत सारे बच्चे भी यहाँ हैं उसके दोस्त लोग, उनके साथ में बहुत मस्ती कर रहा है। और मस्ती के साथ में उसके बाद हम लोग करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार इंजॉयमेंट, तो चलिए आप भी ज़रूर इंजॉय करिए। और जोर से अरे टीटू ये क्या है? दोस्तों बहुत ही सिंपल सा मेरा ब्लॉग था, बेटी और दामाद के घर का। नाती के बर्थडे मनाने के लिए हम लोग गए थे और सारे फैमिली के साथ में हम लोगों ने इंजॉय किया है। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग में।